हाय लवलीज, मेरा नाम है आर्ष महक और गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल। ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट मुझे की थी जीसी ने, तो थैंक यू सो मच जीसी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्राइस है 130 रुपीज और 20 ml एक्स्ट्रा दिया गया है, इसीलिए 120 ml का ये पूरा प्रोडक्ट है। ओके, ये क्लेम करता है कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है। दो मुहे बाल यानी कि स्प्लिट एंड्स जैसे होते हैं, सफ़ेद बालों को एवं झड़ने से मुक्ति प्रदान करता है। मतलब उसके बाद स्प्लिट एंड्स को क्योर करता है, सफ़ेद जो बाल है हमारे उसे काला करता है, हेयर फॉल से हमें मुक्ति दिलाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है तभी मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर पाती। कांच की जैसा ग्लास बॉटल दिखता है लेकिन ये प्लास्टिक का है। उसका कैप है वो काफ़ी बड़ी ही मेहनत के साथ आपको खोलना पड़ेगा, तो ये स्पिल नहीं होगा। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल फ्रेंडली है ये पैकिंग, और ये इसे आप लॉक कर सकते हैं। उसे भी आप बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तो ये मुझे पैकेजिंग पसंद आया। बॉक्स की अगर बात करें तो बहुत सारे जो हर्ब्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। इसमें है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, मेहंदी, नीम के लीफ, बहड़ा, हरारा, गिलोय, फिर है धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा है, हल्दी इसमें है, नाग केसर, बकुची, गुरहाल पुष्प, चरेला, मुझे पता नहीं कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, फिर है यष्टि मधु, अनंतमूल, रसौत, वाचा, कोकोनट ऑयल एंड तिल ऑयल। तिल का तेल यानी कि सेसमे ऑयल इसका बेस है। 100 ml इसमें, मतलब सारा ही इसमें सेसमे ऑयल है, और 20 grams इसमें कोकोनट ऑयल है, और बाकी सारे जो हर्ब्स उसमें डाले हैं वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हेयर ऑयल है। जो आलमंड ऑयल की हमने आगे बात करी थी पतंजलि के, उसी कंपैरिजन में ये काफ़ी लेस ऑयली है, तो जिनके अगर ऑयली हेयर है वो भी इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके क्लेम्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हेयर फॉल कम करता है। हाँ, मुझे थोड़ा फील हुआ कि थोड़े हेयर फॉल कम हुए, लेकिन मैं एक बार में आपको इतना सारा नहीं कह सकती कि इतने मतलब दावे के साथ। ग्रेइंग हेयर, ग्रे हेयर क्या होता है, आपका जो ब्लैक हेयर है वो धीरे धीरे ग्रे होता है और फिर वाइट होने की तरफ आगे बढ़ता है। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे बालों में, तो ये वाइट हेयर को इमीडिएटली ब्लैक नहीं करता है। ऐसा कोई भी हेयर ऑयल नहीं है जो आपके वाइट बालों को फिर से काला करता है। स्प्लिट एंड्स वो इमीडिएटली नहीं क्योर होते हैं, थोड़े थोड़े बाल लेकर उसको आप ऐसे ट्विस्ट करें, फिर धीरे धीरे आप उसको ऐसे करेंगे तो आपके स्प्लिट एंड्स बाहर आएंगे और आप कैंची से उसे कट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी मेहनत और मशक्कत लगती है, तो कोई एक बार हेयर ऑयल लगाने से आपके स्प्लिट एंड्स कभी ठीक नहीं हो जाते हैं। मैंने जस्ट ऑयलिंग की है और मैंने हेयर वॉश की है, थोड़े हेयर मेरे शायद अभी गीले भी हैं, लेकिन स्मेल है इसकी, फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही माइल्ड है, सॉफ्ट है, तो ज़्यादा हैवी स्मेल नहीं है कि आपका मतलब यू नो आपको सर दुखने लगे, वैसी कोई इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। जहाँ तक हेयर फॉल की बात है, हेयर ऑयल या हेयर को वॉश करने के शैम्पू से ही आपके जो अगर मेजर सीवियर हेयर फॉल है तो वो कंट्रोल में नहीं आता है। जो हेयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर आप जल्दी रात को मतलब टाइम पे सोते नहीं हैं, कम नींद लेते हैं, पानी कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हैं, पॉल्यूटेड एटमोसफियर में रहते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, आपका खाना आप स्किप करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर है और कर्लर्स है और जेल्स स्प्रेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप करते हैं तो भी आपके हेयर फॉल होते हैं। तो आपको आपकी लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपके हेयर फॉल में कमी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर एक साथ मिलाए तो आपके हेयर हेल्दी रह सकते हैं। कोई एक हेयर ऑयल या जो शैम्पू है वो आपके बालों में वो एक मैजिक स्टिक नहीं है कि लगाया, वॉश किया और आपके बाल एकदम अच्छे हो गए, परफेक्ट हो गए। अच्छा, आयुषी श्रीवास्तव ने मुझे पूछा था कि मैं कोई ऐसा हेयर ऑयल बताओ या
और कुछ ऐसा बताओ कि फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मेरे बालों को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ गई थी मेरे बालों में, लेकिन ये वाला ऑयल मैंने लगाया, ट्रस्ट मी मुझे हेयर फ्रिज में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके हेयर भी काफ़ी ड्राई है या फ्रिजी है तो एक बार पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, उसे थम्स अप दें, और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आरजे महक के नाम से मैं हूँ, मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।